हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा लुब्रिकेटिंग ऑयल का ग्रेड क्या होता है और किस तरह से लुब्रिकेटिंग ऑयल का ग्रेडिंग किया जाता है। दोस्तों, ऑयल का जो ग्रेड होता है वो ऑयल के विस्कोसिटी के बेस पे, यानी कि ऑयल के विस्कोसिटी के आधार पर किया जाता है। आपको तो पता होगा कि ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर के बदलने पर बदल जाता है। यानी अगर हम ऑयल को कूल किया तो उसका जो गाढ़ापन होता है, उसका जो विस्कोसिटी होता है वो बढ़ जाता है, और अगर हमने ऑयल को गर्म किया तो उसका जो विस्कोसिटी होता है, उसका जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है। इसलिए ISO विस्कोसिटी ग्रेडिंग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे किया जाता है, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस होता है। विस्कोसिटी मतलब क्या? विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि ऑयल का गाढ़ापन, चिपचिपापन मतलब होता है विस्कोसिटी। आपको पता होगा कि ऑयल के कई प्रकार के ग्रेड होते हैं, जैसे विस्कोसिटी ग्रेड 32, विस्कोसिटी ग्रेड 46, विस्कोसिटी ग्रेड 68, विस्कोसिटी ग्रेड 320, विस्कोसिटी ग्रेड 420 एटसेट्रा। इसका मतलब अगर हमने किसी भी विस्कोसिटी ग्रेड नंबर लिया और उसका विस्कोसिटी चेक किया 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका विस्कोसिटी मिलेगा उसका ग्रेड बराबर। आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। हमने अगर विस्कोसिटी ग्रेड 68 ऑयल लिया और उसका विस्कोसिटी चेक किया 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका जो विस्कोसिटी मिलेगा वो 68 सेंटीस्टोक मिलेगा। आई होप आपको ऑयल का ग्रेडिंग समझ में आया होगा और किस तरह से ऑयल का ग्रेडिंग किया जाता है वो भी समझ में आया होगा। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा टेम्परेचर वर्सेस विस्कोसिटी का चार्ट। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम दोबारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।